हेलो फ्रेंड्स मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखिए क्या होता है कि जब भी वाइफ जो है आप आपका जो है घर छोड़ के चली जाती है तो कई हस्बैंड मेरे पास आते हैं और कहते हैं वकील साहब हमने आरसीआर का केस जो है फाइल कर दिया था वाइफ को बुलाने के लिए पर वाइफ ने जो है उल्टा ये करा हमारे ऊपर 498 ए और 125 जैसे केसेस कर दिए डी कर दिया जिसकी वजह से हमने आर अब विड्रॉ करके सीधा डाइवोस हमने फाइल कर दिया है देखिए क्या होता है कि हमेशा जो है ना आपको एक स्ट्रेटेजी से चलना चाहिए जब भी आपके मेट्रीमोनियल केसेस हो रहे हो और अगर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे कि क्यों आप वो चीज़ कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक जो है आप इन केसेस में जो है सालों साल फंसे रहेंगे और कई साल आपके बर्बाद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है आपके केस में आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है यहाँ तक जो है बात आ सकती है आपकी अब आ, मैं आपको एक केस स्टडी जो है आ, रिसर्च के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरसीआर का केस अगर आप कर देते हैं वाइफ अगर चली जाती है क्यों उसे विड्रॉ नहीं करना चाहिए और क्यों उसको फाइट करना चाहिए डाइवोर्स जो है नहीं डालना चाहिए आरसीआर सी विड्रॉ करके क्यों ऐसा करना चाहिए आज मैंने जो है एक रिसेंट रिसर्च दो की रिसर्च में आपसे शेयर कर रहा हूँ देखिए क्या होता है कि ज्ञान तो आपको बहुत लोग देंगे और बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं पर सही ज्ञान जो है रिसर्च बेस्ड होता है तो मेरा जो भी आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो ऑलरेडी जो जजमेंट्स आ चुकी हैं उस बेसिस पे रहता है और उससे ऊपर मैं कुछ बात भी नहीं करता क्योंकि जो प्रिसिडेंस इसे हम प्रिसिडेंस कहते हैं जो जजमेंट्स आ चुकी हैं उसी ग्राउंड पे ही आपका केसेस जो है डिसाइड होंगे उसके बाहर कुछ नहीं होगा तो अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो उससे पूछिए कि इस पर कोई जजमेंट है या कोई रिसर्च है आपके पास अगर उनके पास कोई रिसर्च नहीं है उनका कहना है कि नहीं जी ऐसा ही होता है तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप ऐसे लोगों से दूर ही रहिए क्योंकि उनका जो आइडिया है वो हमेशा रिसर्च का नहीं होता है वो रैंडमली एडवाइस दे रहे हैं आपको और वो आपका केस जो है लंबा ही चलाएंगे ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ पर अगर आपका जो ज्ञान है जो भी नॉलेज है वो रिसर्च बेस्ड होगा उसमें जजमेंट्स होंगी केस स्टडीज़ होंगी तो वो जो ज्ञान है वो ज़्यादा रिलायबल होगा क्रेडिबल होगा हालांकि हर रोज़ ज़्ञ, नई नई जजमेंट्स आ जाती नई नई चीज़ें जो है लॉ में डेवलप होती है लॉ हमेशा सेम नहीं रहता है पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको बस मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करना है मैं जो है आपको सारी जो केस स्टडीज़ हैं आपको प्रोवाइड करूंगा और ये मेरा वादा है कि आपको जो है सटीक नॉलेज मिलेगी और जो भी आपको हेल्प मिलेगी मेरी तरफ से वो आपके केसेस में डायरेक्टली हेल्प करेगी ये मेरा वादा है क्योंकि मेरी जितनी भी रिसर्च है सारी रिसर्च बेस्ड जो है केस स्टडी बेस्ड होती है मैं जजमेंट भी प्रोवाइड करता हूँ और जो भी रिसर्च uh, होती है वो काफ़ी डीप होती है तो हर एक टॉपिक पे दो या तीन जजमेंट्स केस स्टडीज में ना मिनिमम स्टैंडर्ड रहता है कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ अब आ जाते हैं टॉपिक पे देखिए अब मैंने आपसे ये बताया कि आर सी आर का केस जो है आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए ये क्यों नहीं करना चाहिए आज मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ देखिए आर सी आर का केस इसलिए होता है कि ताकि आप जो है वाइफ को वापस अपने साथ रखें कंजुगल राइट्स आपका रीन स्टेट हो हालांकि कोर्ट भी यही कहते हैं कि हम एग्जीक्यूट थोड़ी ना कराएंगे आपकी आर सी आर की डिग्री हम वाइफ़ को ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोल सकते कि आपके साथ रहे वो जब उसे अगर नहीं रहना है तो वो हम नहीं फोर्स कर सकते कोर्ट का सीधा सीधा ओपिनियन है फिर आरसीआर का क्या फ़ायदा है देखिए आरसीआर के फायदे बहुत हैं केस स्टडीज हैं इस पर मैं ऐसे बात नहीं कर रहा सबसे पहला फायदा आर का ये होगा आपका जो जब भी आर का केस आप डालते हैं तो एक उसमें इशू होता है कि वेदर वाइफ लेफ्ट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज एंड वेदर यू आर इंटाइटल फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ़ कॉन्जुगल राइट्स ये दो इशूज़ फ्रेम होते हैं जो पहला वाला इशूज़ है कि वैदर द वाइफ हैज़ लेफ्ट विदाउट अन रीजनेबल रीजनेबल और रीजनेबल कॉज ये जो इशू है ये सबसे मेन इशू होता है ये इशू आर सी आर के केस में डिटेल्ड में डिसाइड हो सकता है एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए और अगर कोर्ट को लगता है कि वाइफ के पास कोई रीज़न नहीं था वो आपको छोड़ के चले गई तो इसमें आर सी आर की डिग्री आपके फेवर में पास होगी अब जब आपके फेवर में आर सी आर की डिग्री आ गई और इशू नंबर वन की वाइफ लेफ्ट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज आपके फेवर में डिसाइड हो जाता है तो इससे आपको दो फायदे होंगे पहला फायदा एक तो आपको एक राइट मिल जाएगा कि आप जो है एक साल तक अगर आपकी वाइफ ज्वाइन नहीं करती आप एक बेशक एग्जीक्यूशन फाइल कर दीजिए कोर्ट यही कहेगा आपको कि हम तो नहीं फोर्स कर सकते वाइफ को एक साल वो केस चलने दीजिए कोई बा, बात बात नहीं है एक साल बाद भी अगर वाइफ आपको ज्वाइन नहीं करती तो आपको एक राइट मिल जाएगा डाइवोर्स फाइल करने का सेक्शन थर्टीन वन ए में आप सीधा सीधा डाइवोर्स जो है फाइल कर सकते हैं और डाइवोर्स की डिक्री आपके फेवर में के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वाइफ ने जो है कम्प्लाइंस ही नहीं किया डिक्री का कोर्ट के ऑर्डर का कम्पलाइंस नहीं किया तो कोर्ट यही मानेगा कि शादी जो है इसमें रद्द करने में ही दोनों कपल्स की भलाई है पहला ये है इस पर केस स्टडी भी है वो मैं बताऊँगा कहाँ पर आपको केस स्टडी मिलेगी दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप जो है 125 ट्वेंटी यानी 125 सौ पच्चीस चार में जो एक इशू होता है वो इशू होता है कि वाइफ लेफ्ट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज वाला जो इशू मैं जिसके बारे में बात कर रहा था क्योंकि वो आपके फेवर में अब डिसाइड हो चुका है तो कोर्ट जो है सीधा वो जुडिशियल नोटिस लेगा उस ऑर्डर का फैमिली कोर्ट क्योंकि फैमिली कोर्ट में ही केस चलेगा एक तरफ 125 चलेगा और एक तरफ आरसीआर चलेगा क्योंकि आरसीआर में ऐसी फाइंडिंग आ चुकी है 125 में तो 125 आपके फेवर में आने के चांसेस होंगे जीरो मेंटेनेंस हो सकती है इस पर मेरे पास दो जजमेंट्स है जो कि मैंने रिसर्च में डाली हुई हैं और तीसरा ये होगा कि अगर आप आर नहीं डालते और सीधा वन में कहते हैं जी मेरी वाइफ तो विदाउट एनी सफिशेंट रीजन छोड़ के चली गई है इसको मेंटेनेंस क्यों देना तो कोर्ट जो है ये कहेगा आपसे कि ये तो जी समरी प्रोसीडिंग है इसमें तो यही है कि आप हस्बैंड वाइफ हो वाइफ अलग रह रही है वाइफ के पास कोई कैपेसिटी नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए बस इतना मेरे को काफ़ी है हम मेंटेनेंस वाइफ को ग्रांट कर देंगे ये जो सफिशेंट रीज़न जो है वो छोड़ के नहीं छोड़ के गई है विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज वाला जो इशू मैं आपके बारे में जो बात कर रहा था वो आर में ही डिसाइड होगा तभी मैं कह रहा हूँ आर का फायदा है अगर आप सिर्फ सीधा 125 लड़ोगे इस रीज़न की वाइफ का वाइफ बिना बेवजह चली गई आपकी ये जो है आपके को बैक फायर कर देगा आर के साथ आप वन लड़िए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके फेवर में आएगी ऐसे ऑर्डर और इस पर मैंने पूरी रिसर्च की है कोर्ट ये कहता है कि 125 की प्रोसीडिंग जो है एक समरी प्रोसीजर होता है उसमें हम जो है डिटेल में नहीं जा सकते पर आरसीआर का केस कभी भी जो है समरी प्रोसीजर नहीं होता आरसीआर का केस पूरा डिटेल्ड रीजनिंग के साथ डिसाइड होगा एविडेंस के साथ डिसाइड होगा तो 125 सौ में आपकी जो है हेल्प होगी अब मेरे को आप कमेंट में बताइए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही आपके लिए क्या अब आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे या नहीं करेंगे तो ये चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन आपको मैं रिसर्च बैक वे में दे रहा हूँ इसमें जो है केस स्टडीज भी हैं एक आर्टिकल मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे उस आर्टिकल का लिंक आपको मिलेगा आर्टिकल पढ़िए बेशक जजमेंट डाउनलोड कीजिए जजमेंट पढ़िए कमेंट में लिखिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है क्या ये इससे जो है आपके केसेस में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी क्या आपके जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है धन्यवाद थैंक यू वेरी मच